हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमसी दी कुकिंग रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड सिमई या फिर इसे कस्टर्ड सेविया भी कहते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो उसे बहुत सारा लाइक करें और ऐसे ही नई रेसिपीज जानने के लिए आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कस्टर्ड सिमई बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम एक टीस्पून घी गरम करेंगे और इसमें हम डाल देंगे हाफ कप सिमई। सिमई को हम मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप रोस्टेड सिमई इस्तेमाल कर रहे हो तो इस स्टेप को आप स्किप कर दें। तो सिमई हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे हम एक साइड में रख देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर मैंने हाफ लीटर दूध लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। दूध को गर्म करते वक्त हेवी बॉटम पैन का इस्तेमाल करें, वरना ये नीचे से चिपक सकती है। तो दूध अभी उबलने लगी है, इसे हम एक बार चला देंगे। मैंने यहाँ पर नॉर्मली मिल्क का जो पैकेट आता है उसी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहे तो फुल फैट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्राई किया हुआ सिमई और उसे मिक्स कर देंगे। सिमई को हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। तो सिमई को मैंने 5 मिनट के लिए पका लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप शक्कर। आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप शक्कर ऐड करें। शक्कर डालने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि शक्कर अच्छे से पिघल जाए। तो शक्कर डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए पका लिया है। इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। बहुत ज्यादा कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल ना करें, वरना हमारी जो सिमई है वो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसे हम लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ आलमंड, काजू और किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मनपसंद जितना चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है। इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो फिर लीजिए, हमारा कस्टर्ड सिमई बनकर तैयार है। कभी भी अगर आप झटपट से कोई डेजर्ट बनाने का सोच रहे हो तो आप इस कस्टर्ड सिमई को बना सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगते हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी होती है। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।